अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राहत सरफराज और आप देख रहे हैं राहबर ट्रेनिंग सर्विसेज। फैब्रिक टेस्टिंग के हवाले से एक और नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे कलर फास्टनेस टू ड्राई क्लीनिंग ISO 105 DO1 मेथड के ज़रिए से। इसके लिए हमें चाहिए है डाइड फैब्रिक। स्पेसिमेन हमने तैयार कर लेना है 40 mm विड्थ में और 100 mm लेंथ में। प्लस माइनस 2 mm की इसमें टॉलरेंस है। इसका सिर्फ कलर चेंज यानी शेड चेंज चलाया जाता है, स्टेनिंग नहीं चलाई जाती। इसको चलाने के लिए एक हम थैली तैयार करेंगे 100 by 100 mm की। ट्विल फैब्रिक यूज़ करते हुए 270 GSM प्लस माइनस 70 GSM का फैब्रिक यूज़ करना है। ये हमने 100 mm की एक साइड से सिलाई लगा के आपको चेक करवा दी है। तीन साइडें हमने इसकी स्टिच कर ली है, चौथी साइड स्टिच नहीं की है। इस साइड से हमने इसमें अपना स्पेसिमेन और स्टील डिस्क, ये स्टील डिस्क 30 mm डायमीटर और 3 mm इसकी थिकनेस है। 20 ± 2 grams का इसका वेट है। टोटल 12 स्टील डिस्क डालेंगे स्पेसिमेन के साथ और जो चौथी साइड है वो भी स्टिच कर देंगे और इसकी एक थैली बना लेंगे 100 by 100 mm जिसमें विड्थ हो। डिटर्जेंट के तौर पे परक्लोरोथायलीन यूज़ करते हैं, ये आमतौर पर ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है। 200 ml परक्लोरोथायलीन 550 ml बीकर में डालेंगे। इसके बाद अपना जो स्पेसिमेन की थैली है वो इसमें डाल देंगे और कंटेनर को सील टाइल कर देंगे। इसके बाद चेक कर लेंगे कंटेनर लीक तो नहीं है। गैरो वाश या रोटा वाश, जो भी आपके पास अवेलेबल वाशर है, उसमें फ्रेश टेम्परेचर का वाटर ऐड करेंगे जिसका टेम्परेचर 30 ± 2 °C हो। कंटेनर हम दोनों साइडों से बराबर वेट रखते हुए लगाएंगे और मशीन को 30 मिनट के लिए चला देंगे। हीटर ऑफ कर देना है, बिल्कुल फ्रेश टेम्परेचर पे इसको चलाना है। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा कंटेनर निकालेंगे और इसमें से स्पेसिमेन को रिमूव कर लेंगे। ये याद रखें कि स्पेसिमेन को पानी के साथ रिंज नहीं करना, इसी तरह ही रिमूव करने के बाद इसको ड्राई कर लेना है 60 ± 5 °C टेम्परेचर पर। हम इसको ओवन में ड्राई करेंगे 60 ± 5 °C टेम्परेचर के अराउंड अबाउट। ड्राई करने के बाद रेटिंग से पहले हम इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में ISO के मुताबिक कम से कम 4 घंटे कंडीशन कर लेंगे। कंडीशन करने के बाद ISO रेटिंग स्केल 105 AO2 कलर चेंज स्केल की मदद से इसकी रेटिंग करेंगे। D65 लाइट सोर्स है, 45 डिग्री का एंगल टेबल है। ISO की मदद से रेटिंग का तरीका कार की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। जो भी सूटेबल रेटिंग होगी वो हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।